कभी अकेले बैठूं तो मन भर आता है एक ख्याल से कि कितना कुछ करने को है अपनी इस जिंदगी से। कभी मन भटकता एक ओर, ना जाने ले जाता मुझे किस डोर। ममत्व की छाया और मीठी वाणी, बहला फुसला सुना जाता मेरे आत्मा की सच्ची वाणी। अरे ओ जिंदगी, कुछ करने व पाने की दे इतनी ताकत मुझमें कि पत्थर को भी पानी बनाने की सक्षमता रहे मुझमें। कुछ ना तो सिर्फ वो दे जिससे समाज के लिए मिसाल कायम करूं। दे मुझमें इतनी वरदान, इतनी जिद, इतनी छुदा वो पाने के लिए कि मर के भी मेरा सुकर्म कहे आहा, जिंदगी है तो सिर्फ जीने और आगे बढ़ने के लिए। अब मैं अपनी अगली पेशकश पर्यावरण और इससे जुड़ी आम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अगली कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है वातावरण की रक्षा। हमारे वातावरण की हरियाली सदबहार रहेगी हमेशा, पक्षियों का बसेरा वो चहक की मिठास से घिरा रहे हमारा सवेरा। काटे ना कोई एक भी वृक्ष, अगर रोक भी ना पावे एक, क्योंकि होते हैं घायल इससे वृक्ष व लोग अनेक। कूड़े के परे ढेर से जिंदगी की हरियाली बन जाती है बंजर, प्रभावित होती हमारी धरती और बन जाती है ये जर्जर। ये नदियाँ, ये पहाड़े, वो सड़कें, मिलकर बनाए हम इसे गुलिस्तान। आओ मिलकर रचे हम नई हरियाली हिंदुस्तान। अब मेरी अगली कविता मैं अपने इन सैनिकों के नाम प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिन्हें की हम सब अनसंग हीरोज या गुमनाम नायक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शीर्षक है हमारे सच्चे रक्षक। वे सैनिक है हमारे देश के सच्चे रक्षक, तैनात रहते सीमा पर ये ताकि आए ना कोई इस देश में भक्षक। अपनी माता होते हुए भी भारत माँ को ही माँ मान लिया, खुद का घर रहते हुए भी सीमा पर ही खुद को कुर्बान कर दिया। हमारा जीवन कहीं अंधकार में परिवर्तित ना हो जाए इसके लिए अपने स्वास्थ्य का निछावर कर दिया। मन में आग सा दौड़ जाता है जब आती है किसी सैनिक की शहीद हो जाने की खबर, परंतु शहीद हो जाने के बाद भी आप रह जाते हैं हमेशा अमर। बस दुआ है भारत माँ से कि कभी न लगे आप सब पर कोई बुरी नजर। तन मन धरती करती हूँ आपको मैं सादर प्रणाम, जिन्होंने दिल दिया और जान भी दे दी इस वतन के नाम। धन्यवाद।